जय हिंद साथियों, एमपी डीएलएड फिफ्थ राउंड की सीरीज़ में ये अगला वीडियो, जो कि उन सभी कैंडिडेट्स लोगों को डेडिकेटेड है जो लोग भी इस फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में बैठने जा रहे हैं। आप सभी के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते मैं इस बात पर डिस्कशन करूँगा कि भाई किधर के कॉलेज जो हैं उनकी फ़ीस कम है और किन कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, कहाँ आप जाएंगे तो आपको एक जेन्युइन फ़ीस देखने को मिलेगी और कहाँ आप जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत फ़ीस में हाइक्ड मिलेगा। तो इस वीडियो की लास्ट तक मैं यही सब बातें मैं आपको समझाऊंगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ वीडियो में, सो दैट कि आप भी समझ पाएँ कि जो आपको कॉलेज मिल रहा है या आप जिस कॉलेज को चूज़ कर रहे हो, एट द एंड उस कॉलेज में आपकी फ़ीस कितनी लगनी है और क्या क्या अदर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे फ़ीस के साथ। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो और आप अपना नॉन रेगुलर कराना चाहते हैं तो फिर नॉन रेगुलर को लेकर के आपके क्या चार्जेस लगने वाले हैं, यही सब बातें इस वीडियो में करने वाला हूं मैं। अगर वीडियो आपसे कंसर्न्ड है तो आप ज़रूर देखिएगा, नहीं कंसर्न्ड है तो आप फिर स्किप कर सकते हैं वीडियो को। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि आप सभी लोगों को चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो जिन भी साथी ने चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं किया है और वो चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, आप केमिस्ट्री जिला राकेश यादव एमपी डीएलएड चॉइस फिलिंग कैसे करें आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और आपको वीडियो मेरा मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, मैंने बेस्ट तरीका बताया चॉइस फिलिंग करने का। और जिन भी साथी के 65+ परसेंटेज हैं, 65% से ऊपर हैं, वो सारे लोग उस वीडियो को देख करके और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में बात करता हूँ मैं कि किधर के कॉलेज आपको थोड़े से सस्ते पड़ने वाले हैं और कहाँ के कॉलेज आपको थोड़े से महंगे पड़ने वाले हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आपका एडमिशन ग्वालियर संभाग में होता है, ग्वालियर संभाग का मतलब ये है कि आपका एडमिशन अगर ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, डबरा, ठीक है, दतिया, डबरा, और अगर आप शिवपुरी साइड में जाकर के एडमिशन लेते हो गुना साइड में, तो आपको फ़ीस जो है वो लगभग 50,000 फ़ीस के आसपास आपको पे करनी पड़ेगी, प्लस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी, ठीक है ना, एग्ज़ाम फ़ीस आपकी, इतनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप ग्वालियर साइड में जा रहे हो तो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं ग्वालियर के कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि उनकी फ़ीस 60,000 भी वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, प्लस एग्ज़ाम फ़ीस। ठीक है, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, डबरा से ऊपरी साइड के कॉलेज की ये फ़ीस है। बात करें भोपाल साइड, तो आप भोपाल जाएंगे, सीहोर जाएंगे, ठीक है, भोपाल हो गया आपका, सीहोर हो गया आपका, इंदौर हो गया आपका, विदिशा हो गया आपका, सागर हो गया आपका, इस साइड में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अगेन आपको 50,000 से 55,000 के आसपास में फ़ीस पे करनी होगी, 50,000 to 55,000 के आसपास आपको फ़ी देनी होगी, प्लस एग्ज़ाम फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप चलते हैं जबलपुर साइड, तो जबलपुर हो गया आपका, छिंदवाड़ा हो गया आपका, ठीक है, छिंदवाड़ा हो गया आपका, रतलाम हो गया आपका, छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, रतलाम है, सीधी हो गया, शहडोल हो गया, इस साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको 45K से 50K के बीच में फ़ीस पे करनी पड़ेगी, प्लस एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी, ठीक है, इतनी फ़ीस प्लस एग्ज़ाम फ़ीस। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो आपका कटनी हो गया, रीवा हो गया, सतना हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है, कटनी, रीवा, सतना, पन्ना, इस साइड में अगर आप जाते हो इस रीजन में तो आपको लगभग 40,000 के आसपास फ़ीस देनी होगी, 40,000 से 45,000 के आसपास, प्लस एग्ज़ाम फीस, ठीक है। तो अब आप चेक कर सकते हो कि आप किस साइड में आपको कॉलेज मिल रहा है और इसी के हिसाब से ये फ़ीस आपको देनी है। तो अगर आप लोग एडमिशन लेने के इच्छुक हैं फिफ्थ राउंड में और आपकी परसेंटेज अगर 65+ परसेंट है, आपको समझ नहीं आ रहा चॉइस फिलिंग कैसे करूं, कॉलेज मिल जाए, आप मेरी हेल्प ले सकते हो,
मैं चॉइस फिलिंग करके देता हूँ, पिछले राउंड में कई सारे बच्चों का मैंने कराया। मेरा जो चॉइस फिलिंग का चार्ज आपको पड़ेगा दैट इज़ 999, ये चार्ज रिफंडेबल है अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो, ठीक है। बाकी के लिए आप मेरे वीडियो से हेल्प ले सकते हो, उसके थ्रू आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं फिर। टिल देन, थैंक यू।